ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में, ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है, दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में
हर तरह के तनाव को रिलीज करें, ऐसा बल ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें, ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान का स्वभाव नेचुरल है, बच्चे को देखो छोटे, नेचुरल है। आप भी वैसे ही थे, कोई ये कह नहीं सकता हम वैसे नहीं थे, सभी वैसे थे। और आपके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं था खुश होने के लिए,
मगर कब ये शुरू हो गया पता ही नहीं चला। अब मुझे खुश होना है तो कुछ अच्छा म्यूजिक सुनाओ, खुश होना है तो अच्छा कुछ खिलाओ, खुश होना है तो अच्छा कोई काम करके दो मन मुताबिक, कुछ तो हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा। मगर आप खुद को कहो कि कुछ हो ना हो पहले मुझे खुश होना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जैसे ही आप खुश होते हैं लयबद्धता शुरू होती है। और कुदरत किन लोगों तक चीजें पहुंचाती है जब वे लयबद्धता में होते हैं? कुदरत का नियम है ये, सब पॉजिटिव चीजें, जहां लयबद्धता नहीं है वहां नेगेटिव चीजें पहुंचती है। इसलिए तो नकारात्मक विचार हटाने के लिए हर एक कहता है। कारण क्या है? क्योंकि उन विचारों के साथ आपकी लयबद्धता टूटती है और कुदरत आपको दे नहीं पाती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पृथ्वी की क्या है? पृथ्वी पर इंसान आता है, एक चीज है जो पृथ्वी पर ही डेवलप हो सकती है, वो क्या है? धीरज। धीरज को डेवलप करना है तो पृथ्वी पर ही संभव है, क्योंकि वहां जिस रफ्तार से चीजें डेवलप होती हैं, एक समय लगता है। आप चाहते हो मैं डॉक्टर बनूं तो एक समय बीच में लगता है, आप चाहते हो मैं हरदम खुश हो जाऊं, एक बीच में समय है आपको समझना है, तो धीरज रखना है। आधी रात को नींद खुल गई, नींद आ नहीं रही है, सुबह तक आपको धीरज रखना होता है। पृथ्वी पर ही ये संभव है। तो इसलिए कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य देह प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें भी धीरज नहीं होता, वो भी श्राप दे देते हैं, वो भी अपने शब्दों में फंसते रहते हैं। ऐसी कहानी आप सुनते रहते हो। क्यों? पृथ्वी पर ही धीरज डेवलप करना, यानी ये इंसान का सार्थक सबक है। पृथ्वी पर कौन से सबक सीखने आया है? उनमें से एक धीरज है। थिएटर में जाते हो ना, फिल्म चल रही होती है, जैसे फिल्म खत्म होती है लोग उठकर जाने लगते। फिल्म खत्म होने के बाद अगर बैठो तो क्या दिखेगा? स्क्रीन। और अपने आप से सवाल पूछो कि थोड़ी देर पहले क्या चल रहा था? कोई रो रहा था कोई खुश हो रहा था, क्या चल रहा था? उलझन थी। अब क्या है? अब जो बचा है वही सत्य है। तो इंसान की कहानी अचानक खत्म हो जाती है, क्या बचता है? वही, उसी का साक्षात्कार है। सिनेमा के पर्दे के साथ जैसे बताया, उस चीज का साक्षात्कार कि फिल्म चलती है खत्म होती है। अधूरा सत्य लोग जानते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। क्या क्या चलता है आप जानते हैं? लोग पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, मगर जो खुशी आनी चाहिए थी वो आती नहीं है। तो जीवन के फिल्म को कैसे देखें? तो पूरा सत्य जब सामने होगा तो आप आनंद ले पाएंगे, डायरेक्टर की सराहना कर पाएंगे जिसने फिल्म बनाई है, ईश्वर की सराहना कर पाएंगे। आपके अंदर इनर चाइल्ड है, एक बच्चा है जो आज भी वही करना चाहता है जो पहले करता था। आप में से कितने लोगों को आज भी कभी कभी दिल होती है कि सोफा सेट पर कूद जाऊं, दीवार पर चढ़ जाऊं, वे हाथ ऊपर करें? आज भी कितने लोगों को लगता है पानी को उछालें, वे दोनों हाथ ऊपर करें? अब दोनों हाथ ऊपर करने के लिए कहा ना, तो उससे भी आ जाएगा कि ये दो कैसे ऊपर कर सकते हैं। वो बच्चे को रोका जाता है, बच्चा तो दोनों हाथ ऊपर करना चाहता है, मगर बच्चे को रोका जाता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। ये इनर चाइल्ड है, उसको मौका देना है। छोटे बच्चे कैसे कूदते हैं? आप भी चाहते हो, मगर धीरे धीरे बूढ़ा बच्चा आ जाता है, तुम दोनों हाथ ऊपर नहीं कर सकते, तुम ऐसे कूद नहीं सकते। तो उसका अर्थ है आपको कूदते रहना, ये नहीं कहा। कॉमन सेंस का यूज करो, अगर शरीर में दर्द वगैरह है ख्याल रखना है, मगर कभी कभार उस बच्चे को मौका देना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।